व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू प्ले कंसोल। आज की इस गेम प्ले में मैं डिफीट करने वाला हूँ ऑल लेजेंडरी अल्फा एनिमल्स को। असेंस क्रीड ओडिसी में अल्फा एनिमल, लेजेंडरी एनिमल उन्हें कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और एक किंग होता है एनिमल का, तो उसे लेजेंडरी अल्फा एनिमल कहते हैं। तो मैं आज उन सभी को मारने वाला हूँ। इस वीडियो को तुम लोग पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में एक से बढ़ के एक अल्फा एनिमल है, लेजेंडरी एनिमल है, जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फर्स्ट अल्फा एनिमल की तरफ, जो है एक बॉर। तो बॉर तुम्हें पता ही है किसे कहा जाता है, और नहीं पता तो देख के समझ जाओ कि ये कौन है। तो इस बॉर को मैं डिफीट करने वाला हूँ अभी, और ये है उसका लोकेशन जहाँ पे मैं इसे फ़ाइट कर रहा हूँ, यहीं पर तुम्हें वो बॉर मिलेगा। और इन सब अल्फ़ा एनिमल को तुम एक मिशन के ज़रिए मार सकते हो, उस मिशन का नाम है डॉटर ऑफ एटलस। मैं उसी मिशन के ज़रिए अभी फ़ाइट कर रहा हूँ इस सबसे। इस मिशन में तुम्हें कहा जाएगा कि सभी लेजेंडरी अल्फा एनिमल के स्किन ला कर दो उस एट्रिमस को, डॉटर एट्रिमस को। तो तुम्हें वो ला कर देने पड़ेंगे और इन सब एनिमल्स को डिफीट करना पड़ेगा। तो मैं उसी मिशन पे हूँ, और मैं पहला अल्फा एनिमल से फ़ाइट कर रहा हूँ अपने, जो ये है बॉर। और शायद कुछ बच्चे भी हैं इसके जो मदद करने आए हैं या बचाने आए हैं उसे, बट फ़ायदा नहीं होगा यार। एलेक्जियस एलेक्जियस है, उससे कोई लड़ नहीं सकता, कोई डिफीट नहीं कर सकता, खासकर ये छोटे मोटे बॉर्स तो बिल्कुल भी नहीं। ये एबिलिटी से मैं एक बार में मल्टीपल टारगेट को मार सकता हूँ। मैंने बहुत सारी यूज़फुल एबिलिटी खोल कर रखे हैं, लॉक करके रखे हैं। और अगर तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए कौन सी एबिलिटी बेस्ट है, रिकमेंडेड है कि करना ही करना है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी एबिलिटी है जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा असेंस क्रीड ओडिसी कम्प्लीट करने में। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो फ़िलहाल अभी डिफ़ीट करो यार इससे, और ताकि हम आगे बढ़ सकें और तुम्हें और नेक्स्ट अल्फा एनिमल्स दिखा सकें। मैं शॉर्ट में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ एनिमल्स, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता, कोई जर्नी नहीं दिखाना चाहता वीडियो में। तो यार हेल्थ डिक्रीज हो जाता है यार, अच्छा हुआ एबिलिटी मैंने ले लिया। ये एबिलिटी 30-60% हेल्थ तो तुम्हारा ऐसे ही बढ़ा देती है यार। बच्चे को पहले मारना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है काफ़ी इसकी वजह से, बस मारे जा रहा है यार कुछ कहीं, मतलब कोई टारगेट ही नहीं, बस पैटर्न ही नहीं यार इस एनिमल का कोई फाइट करने। अब तो तू गया, सब ख़त्म हो गया। हाँ, और एक बच्चा, ओ लेट से पहुँचा यार, ख़त्म हो गया खेल तब पहुँचा, जा तो भी जा। तो ये था मेरा एक अल्फ़ा एनिमल, पहला अल्फ़ा एनिमल जो लेजेंडरी पावर था। तो इसे मैंने कर दिया है डिफीट, और स्किन मैंने सब कलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट अल्फा एनिमल की तरफ। तो चलो यार, चलो अब नेक्स्ट अल्फा एनिमल की तरफ चलते हैं। तो आ गए हैं हम अपने सेकंड अल्फा एनिमल की तरफ, जो है एक बियर। तो इस भालू को डिफीट करना है अभी मुझे, ये ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पहुँच ही गया हूँ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में मतलब डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, ताकि तुम लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो या बोरिंग ना हो। जब बहुत से वीडियो हैं जो काफ़ी लंबे हैं, मतलब अल्फा एनिमल से फ़ाइट करते वक्त काफ़ी मतलब जर्नी वगैरह भी दिखाया जाता है, बट मैं सिंपली तुम्हें अल्फा एनिमल का फ़ाइट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जर्नी को जो है स्किप करता हूँ। तो ये है एक लेजेंडरी अल्फा एनिमल, जो है एक बियर। बट इसे डिफीट करना आसान है अदर एनिमल्स से, क्योंकि इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जो इसे स्लो बनाता है। और स्पीड नहीं तो यार तुम्हारा जीतने के चांसेस बहुत ही कम। बस इसका स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है, इस वजह से इसका जो हेल्थ है वो डिक्रीज कम हो रहा है। और यार इसने तो ड्यूरेबिलिटी भी है, ड्यूरेबिलिटी हर अल्फा एनिमल में होती है, इसमें भी है। बॉर ने यूज़ नहीं की थी, बट इसने यूज़ कर ली ड्यूरेबिलिटी, मतलब 20-30% हेल्थ जो है रिस्टोर करने की एबिलिटी, उसे ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। अब इस एनिमल को तो मैं वेपन से डिफीट कर सकता हूँ, चाहे हैवी वेपन हो, या फिर तुम कह लो स्वॉर्ड हो, या फिर डैगर हो, जो भी हो, उससे मैं इसे डिफीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये हेवी है, स्लो है, सब डिसएडवांटेजेस है इस अल्फा एनिमल के। बट इसे डिफीट करना मुश्किल नहीं है यार, तुम लोग भी आराम से इजीली डिफीट कर सकते हो, विदाउट अपग्रेड भी तुम इसे डिफीट कर सकते हो। बस थोड़ा सा डॉज वगैरह के साथ खेलो, ईजिली डिफीट हो जाएगा। अभी तो ये जाने ही वाला है, एक ओवर पावर अटैक और खेल ख़त्म। ये गया एक अल्फा एनिमल, ये भी। तो
ये हुआ हमारा सेकंड अल्फा एनिमल जो एक बियर था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड अल्फा एनिमल की तरफ और देखते हैं कि वो कैसा फाइट करता है। और ये देखो यार, ये एक बग है इस गेम का, ग्लिच है, किसी भी चीज़ के आर पार हो जाना। तो छोड़ो यार इस ग्लिच को, छोड़ो अब चलते हैं, आगे बढ़ो, चलते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ, देखते हैं वो कौन है, लेट्स गो। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ा एनिमल की तरफ जो है एक हाइंड, और मैं इसके लोकेशन पे पहुंच गया हूं। मुझे इसे डिफीट करना होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और भी एनिमल तुम्हें दिखा सकूं। तो ये है थर्ड लेजेंडरी एनिमल या अल्फा एनिमल कह लो, जो भी। चलो अब इसे डिफीट करते हैं फटाफट। अभी ये जो मैं स्टार्टिंग में जो एनिमल्स तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये उतने ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं है, एक लिमिट तक है इनकी पावर। इन्हें डिफ़ीट करना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, मतलब ईज़िली तुम इसे डिफ़ीट कर सकते हो। बट अभी जो आने वाले नेक्स्ट एनिमल हैं, जो नेक्स्ट अल्फ़ा एनिमल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, और तुम उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हों। तो फ़िलहाल मैं इसे डिफ़ीट करता हूँ यार। इसका जो वीक पॉइंट है कि ये थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, बस यही इसका वीक पॉइंट है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, बस स्पीड जो है ठीक ठाक है, और जो इसका जो अटैक है वो भी उतना कुछ खास नहीं है। तुम डॉच कर सकते हो इजली, इसका जो इसे मारना मतलब काफ़ी आसान है। देखो यार, मैंने 30% से 40% एरो से ले लिया है उसका हेल्थ, और ये अपना जो सिर ज़मीन के नीचे जो डालता है उस टाइम तुम्हें काफ़ी वक्त मिलेगा इसे मारने का, 3-4 सेकंड तो आराम से मिल जाते हैं। तो उस टाइम तुम इसे ओवर पावर अटैक मार दो, या फिर कुछ भी ऐसा हैवी अटैक भी मार सकते हो अगर तुम चाहो तो। इसे डिफ़ीट करना मुश्किल नहीं है यार, डॉच कर 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 डिफ़ीट कर सकते हैं। मतलब यार क्या, मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं है इसकी, मतलब बस चलाया जा रहा है, देख भी नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। अब तो इससे कोई नहीं बचा सकता। एक और ये गया, तो मुझे लगता था कि फायर से इसका जो हेल्थ है पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा, बट नहीं हुआ, फायर से डिक्रीज़ नहीं हुआ, एक अटैक उसके बाद इसका खेल ख़त्म। 5% मैक्सिमम हेल्थ है शायद उसका, एक अटैक खेल ख़त्म, बट अटैक गया। ये रहा थर्ड एनिमल, जो इसका भी खेल ख़त्म हो गया, कुछ ख़ास नहीं था ये। तो अब चलो चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ा एनिमल की तरफ जो इससे बेटर होने वाला है। तो लेट्स मूव ऑन यार। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपने फोर्थ अल्फ़ा एनिमल की तरफ, जो एक फेमस एनिमल है, काफ़ी फेमस है। तुम लोगों ने इसे देखा होगा एनिमेटेड मूवीज़ में, द लायन किंग वगैरह में काफ़ी फेमस मूवी है, उसमें तुमने देखा होगा। इसका नाम है हाइना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसे मैं अब डिफ़ीट करने वाला हूँ। ये एक लेजेंडरी अल्फ़ा एनिमल है और ये फोर्थ पोजीशन पे आता है। ये रहा वो हाइना, मैंने इसे एनालाइज तो कर लिया था। तो चलो इससे अब पहले बॉस से अटैक करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मेरा यही है कि इससे काफ़ी जल्दी मतलब उसका हेल्थ जो है डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ये जो मेरा बॉ है ये फुल्ली अपग्रेड है, मैक्स लेवल है, और एबिलिटी भी है इसमें जो तुम देख सकते हो, बेसिक एरो बिकम ऑन फायर, तो ये एबिलिटी भी है। तो इसकी वजह से उसका जो हेल्थ है काफ़ी जल्दी डिक्रीज़ हो रहा है। तो लेजेंडरी एनिमल को मारने का सबसे बेस्ट तरीका है तुम बॉस को पहले यूज़ करो, उससे उसका हेल्थ को है काफ़ी डिक्रीज़ कर दो, तो तुम्हें लड़ने में काफ़ी आसानी होगी और तुम इसे जल्दी डिफ़ीट कर पाओगे। यार ये तो एकदम बहुत ही स्पीड में, यार मतलब हाइंड से भी ज़्यादा ये स्पीड है, यकीन नहीं होता, जबकि ये रियल में इतना ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। इसका अटैक मतलब समझना तुम्हें बहुत मुश्किल है, ये काफ़ी फास्ट मतलब तुम पर अटैक करते, देखा कब किया पता भी नहीं चला, या डॉच करने का भी समय नहीं मिला। स्पीड स्लो करके अब करना पड़ेगा, मुझे अपना स्पीड जो है इंक्रीज़ करना पड़ा था, तो अब मैं इसे थोड़ा मतलब थोड़ा उसका हेल्थ जो है डिक्रीज़ कर सकता हूँ थोड़े वक्त के लिए, बट फिर भी इसका अटैक काफ़ी टफ है डॉच करना। यार चिल्ला क्यों रहा है, लगता है ग्रुप को बुलाएगा। यार अच्छा है इसकी कोई ग्रुप नहीं है, मतलब कोई बच्चे वगैरह नहीं है जैसे बॉर के थे, वरना इसे डिफीट करना लगभग नामुमकिन हो जाता। टाइमिंग सही चाहिए डॉच करने की, बस ख़त्म। ये था इसका एंड गेम,
तो ये हो गया खत्म हमारा फोर्थ अल्फा एनिमल। अब चलते हैं अपने फिफ्थ वन के पास और देखते हैं फिफ्थ वन कैसा है। ये एक कैरेक्टर था एनिमेटेड मूवी से द लायन किंग, और द लायन किंग का एक और कैरेक्टर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो भी आने वाला है। एक और एनिमल है वो भी आने वाला है अभी, तो उसे मैं अब दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट एनिमल मेरा वही है, तो चलो यार मूव ऑन। सो आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट अल्फा एनिमल की तरफ, और जैसे मैंने बताया कि ये भी एक फेमस है एनिमेटेड मूवी से लिया गया है, और इनफैक्ट ये हाइना से भी ज़्यादा फेमस है। तो इस एनिमल का नाम है एरिमेंथियन बॉर, और ये एक लेजेंडरी अल्फा एनिमल है, और तुम लोगों ने इसे देखा होगा, ज़रूर देखा होगा द लायन किंग मूवी में, जो एनिमेटेड मूवी था उसमें देखा होगा। इसका जो कार्टून में जो नाम है, टून में जो नाम था, वो शायद पुम्बा था, मुझे याद है, मैं मतलब बहुत दिखता था, तो उसका नाम पुम्बा था। इसका एक फ्रेंड भी था टिमोन। तो यार इसी इस वाइल्ड एनिमल को आज हम लोग डिफीट, अरे ये कहाँ से आ गया यार, लड़ने दो ये, इन दोनों को लड़ने दो यार, भाग गया, यकीन नहीं होता यार, वो डिफीट ही नहीं, भालू होकर यार उससे डिफीट नहीं कर पास, क्या यार हद है। मतलब जब मैं इसे डिफीट कर दूंगा तब वो मुझे आएगा डिफीट करने, मतलब इससे वो नहीं जीत सकता, पुम्बा ने उसे हरा दिया समझ लो, पुम्बा भालू को हरा सकता है। हम लोगों ने कार्टून में तो ऐसा नहीं देखा था, गेम में क्या क्या नहीं देखने में पड़ता है। तो इसे मैं डिफ़ीट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ यार, बट इसका जो हेल्थ है वही लो डिक्रीज़ हो रहा है, रीज़न वही है कि लेजेंडरी अल्फा एनिमल है। और ये इस एनिमल की जो एक तो घटिया बात है कि ये काफ़ी स्मेली है, मतलब गंदी बदबू इसके मतलब बदन पे भरी रहती है। फिर यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब पॉइजन वगैरह क्या क्या छोड़ रहा है, मेरा हेल्थ ऑटो डिक्रीज हो रहा है। लगता है ये सब जो पॉइजन है इनसे मुझे बचना पड़ेगा, ज़मीन से जो निकल रहा है जहरीली गैस हो सकती है वो, जिससे मेरा हेल्थ डिक्रीज़ हो रहा है, तो उससे मुझे हटकर फाइट करना पड़ेगा इससे। ये एक इसका एडवांटेज है, मेरा तो एडवांटेज रहा ही नहीं कुछ, मतलब कहते हैं ना अपने मैदान में सबसे वही चीज़ है। फिर भी यार इसे कोई नहीं बता सकता, एलेक्जियस सबको डिफीट कर देगा, तो ये पुम्बा क्या चीज़ है, एरेमेंथियन बॉर, भाई टून नेम ही तेरा सही है। गया ये भी एक लेजेंडरी एनिमल खत्म, इसका भी मैं स्किन ले लेता हूँ। अभी ये भालू आ गया यार, इसे तो मानना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसका तो मतलब हेल्थ ऐसे ही डिक्रीज कर दूंगा, स्लो सुस्ती गया। चलो यार एक बोनस मिल गया तुम्हें, मारना था उसे, इसे भी मार दिया, दोनों को साथ साथ, दोनों भाई को। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट अल्फा एनिमल की तरफ, और मैं दिखाता हूँ कि वो कौन होने वाला है, और चलो देखते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट अल्फा लेजेंडरी एनिमल, और ये सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं इसकी तरफ चलता हूँ, पहले इकारुस को बुला लूँ, इसकी लोकेशन का पता कर लूँ कि कहाँ पे है ये एग्जैक्ट। तो ये वहीं है सामने, तो मैं चलता हूँ और पहुँच गया। इसका जो प्लेस है मुझे सबसे बेस्ट लगा प्लेस फ़ाइट करने के लिए, बिल्कुल एक फ़ाइटिंग एरिना की टाइप का लगता है, एनिमल्स से फ़ाइट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस यही है। इतना ज़्यादा बड़ा और खुला प्लेस मुझे सबसे अच्छा बुल का लगा। तो मेक्सिको में तुमने ऐसे बुल देखे होंगे मेक्सिकन मूवीज़ या इसमें बहुत सारे तुम्हें देखे होंगे, मेटाडोर वगैरह इस बुल से जो फ़ाइट करते हैं, ये वही बुल है बड़े सींगों वाला। इसके भी अंदर एबिलिटी है ड्यूरेबिलिटी की, हेल्थ रिस्टोर करने की, तो सभी अल्फा एनिमल में ये एबिलिटी है यार। अरे यार वक्त तो देता यार उठने का, स्ट्रेट मतलब वार करता है ये, और यही इसकी मतलब पॉइंट है कि इसे डिफीट कर सकते हैं हम, यही हमारा एडवांटेज है कि हमने इसकी स्ट्रेटेजी समझ ली। देखो एनिमल्स की स्ट्रेटेजी समझना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और अगर तुम वो समझ लो, ये नया अटैक है
ये तो मैंने नहीं देखा था। चलो इसने ये भी दिखा दिया तो अब मैं उससे भी सावधान रहूँगा। डॉच करना ज़रूरी है यार इन सब अटैक्स से, काफ़ी जल्दी मेरा हेल्थ डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका भी लेवल जो है कम नहीं है। बस थोड़ा सा हेल्थ उसका बचा है तो इसे मैं डिफ़ीट कर दूं पहले, उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट और फाइनल अल्फ़ा एनिमल की तरफ ले जाऊंगा जो काफ़ी ताकतवर होने वाला है और जो रियल में किंग है। आई थिंक तुम लोग मेरा इशारा समझ गए होगे। तो ये याद मरता क्यों नहीं है, क्या खा कर आया समझ में नहीं आ रहा। एरो का यूज़ करना बेटर होगा मेरे ख्याल में। एक और एरो, खेल ख़त्म। नहीं यार एक एरो और, काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर है इसका। अगेन इसने ड्यूरेबिलिटी यूज़ की। बस बच्चे अब ख़त्म, अब खेल ख़त्म। अब तो तू गया, अब तो तू गया। वाह अभी मैं जाता, उसे क्या मारता खुद ही मर जाता। तो ये गया हमारा बुल, कुर्बान हो गया बेचारा लड़ते लड़ते। तो चलो यार इस बुल का खेल ख़त्म हुआ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल अल्फा एनिमल की तरफ जो रियल में किंग है। तो चलो मूव ऑन गाइस। तो आ गए हैं हम अपने फाइनल अल्फा एनिमल की तरफ जो काफ़ी खूबसूरत जगह पे रहता है। तो अब इसे मुझे डिफ़ीट करना है जो रियल में एक किंग है एनिमल का। तो उस किंग को अब हमें डिफ़ीट करना है और ये काफ़ी टफ पड़ सकता है क्योंकि ये ट्रू किंग है एनिमल में। तो चलो अब चलते हैं नीचे और करते हैं फाइट इस लायन से। ये एक वाइट लायन है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वाह क्या साइज़ है यार इसका, मैसिव इनक्रेडिबल साइज़। और कुछ साथ में शेरनी भी है इसके, लगता है यार यास राजा होगा यार ये। अब और थोड़ा अटैक, और थोड़ा अटैक यार बचा। ओ यार एक और लायन, तो उसे तो मैंने मारा है। लेवल ज़्यादा नहीं है बट वाह हेवी अटैक लगा उसे। ये हुई ना बात, हेवी अटैक लगा मतलब हेल्थ ज़्यादा डिक्रीज हुआ, रिस्टोर करना पड़ा हेल्थ मुझे भी। ड्यूरेबिलिटी सिर्फ उसके अंदर थोड़ी ना है। ओ यार शिट, ये एबिलिटी बड़ी काम की है भाई, तुम लोग भी अनलॉक करके रखो। हेल्थ रिस्टोर हो जाता है 60-70%। शेरनी आ गई, शेरनी आ गई, अब इसे पहले मारूंगा, यही जाएगी पहले। यार बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, मतलब हेवी अटैक तो यार मेरा लगता ही नहीं इसे, इसलिए एरो का यूज़ करना पड़ता है यार। वो तो अच्छा है कि एरो में जो मेरा है वो अपग्रेडेड है। डॉज अच्छा हुआ, टाइमिंग मिला मुझे। गया गया, गया। लो पहरेदार भी आ गया। अब जा बेटे तेरे भी काम ख़त्म, तू भी गया। ए शिट मैन, यार मेरा ओवर पावर अटैक लॉस्ट हो गया, बहुत मुश्किल पड़ रहा है इस टाइप के वाइल्ड एनिमल को डिफीट करना। बट ये फाइनल है यार, ये फाइनल अल्फा एनिमल है। मैंने शॉर्ट में तुम्हें सब अल्फा एनिमल दिखा दिए, तो अब फाइनल है ये भी ख़त्म हो जाएगा। सब डिफीट हुआ तो ये भी क्यों नहीं होगा। थोड़ा इसे डॉच ज़्यादा करना पड़ा, इसे मैं अटैक नहीं कर पा रहा यार उस पर। थोड़ा अटैक करूँगा तो उसका जो हेल्थ है तभी डिक्रीज होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। लगा लगा लगा, ओए वाह लग गया, मेरा अटैक सही निशाने पर लगा। चलो यार ये लेवल कंप्लीट,
क्वेस्ट कंप्लीट, डॉटर ऑफ एट्रिमस का क्वेस्ट कंप्लीट, और ऑल लेजेंडरी एनिमल मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब चलो यार, गुड बाय कहने का वक्त आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।